पलवल के गांव बगौला स्थित आंचल छाया अनाथ आश्रम में पलवल के युवाओं की एक टीम ने यहां रहने वाले बच्चों के साथ समय व्यतीत किया और बच्चों को भोजन करवाया। साथ ही बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। बच्चों के मनोरंजन के लिए गीत संगीत की प्रतियोगिताएं भी रखी गई। जिसमें बच्चों ने गीत सुनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कई बच्चों ने बेहद सुर में गायन किया। वहीं इस प्रोग्राम के समापन के बाद सभी बच्चों को उपहार व इनाम वितरित किए गए। इन सभी युवाओं द्वारा की गई यह पहल बच्चों के लिए बेहद यादगार रही। इस प्रोग्राम की अधिक जानकारी देते हुए हर्ष सिसोदिया ने जानकारी दी। हर्ष सिसोदिया, अर्जी आज आप आंचल छाया में आए, किस एम को लेके आए हैं, क्या यहाँ आप लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रिया अपनी दी, क्या क्या आप लोगों ने बच्चों के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड किया? सर एक्चुअली में हमने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया था हर्ष सिसोदिया के नाम से। हमने सोचा था कि जो हमारी पहली इनकम होगी हम किसी पुण्य के काम में लगाएंगे, अच्छे काम में लगाएंगे। तो हमको पता चला कि बघोला में एक आंचल छाया के नाम से अनाथ आश्रम है, तो हम इसलिए अपनी पहली कमाई के लिए यहाँ पे आए हैं। और क्या नाम है, उन बच्चों के साथ में हम रहे हैं। हम पहले भी आए थे इन बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों ने कहा था कि हमें ना तो खाना चाहिए ना पीना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि लोग आएँ और क्या नाम है हमारे साथ में टाइम स्पेंड करें। उन्हें ये नहीं चाहिए कि बच्चे बंदे उनके लिए खाना लाते हैं, फ्रूटी वगैरह बिस्कुट ये लाते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए सिर्फ टाइम, उन्हें ये सब चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए हम उनके पास आए हैं, थोड़ा सा टाइम बिताया है। आपने देखा होगा कि हमने खेल कूद भी करवाए थे उनके लिए इसीलिए, और भी बांटे थे, बच्चे बहुत खुश हैं और गिटार वगैरह उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, इसीलिए हम उनके लिए लाए थे ताकि वो देख सकें और छू सकें
और उन्हें खुशी मिल सके, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। तो काफी अच्छा टैलेंट निकल के आता है। हाँ, और सर हमारा ये है कि हमको देख के आगे लोग और भी इंस्पिरेशन हुए हैं, तो हमसे देख के मोटिवेशन हो ताकि और लोग आए, ताकि और हेल्प हो सके इन बच्चों की। और इनमें काफी लोगों में कुछ टैलेंट भी है, कुछ कढ़ाई करते हैं, कुछ सिंगिंग भी करते हैं, आपने देखा हमसे कैसे कैसे लाया। तो हम यही चाहते हैं कि हमें देख के ताकि और लोग भी इनके हेल्प करने हैं। मैंने काफ़ी लोग देखे यहाँ से आते हैं और मतलब कि बच्चों से मतलब घुलते मिलते नहीं हैं, उनसे मिलते भी नहीं हैं, चले जाते, पर हमें सोचते हैं कि थोड़ा सा और आए, इनके साथ खुले मिलें और खाना टाइम में सब स्पेंड करें, मतलब कि सब कुछ यही हमारा, ही हमें देख के साइकिल ऑफ करें। तो